तो हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं सूरज मंडोल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ज्वेलरी वर्ल्ड। दोस्तों आज एक नेकलेस का वीडियो होगा, 16 ग्राम 15 ग्राम का अंतर। ये देखिए मैंने बनाया, बहुत टाइम के बाद एक नेकलेस बनाया ऐसा। तो पूरा वीडियो के साथ बना रहेगा अगर आपको कुछ देखना है, जानना है और फर्स्ट टाइम है इस चैनल में, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों के लिए इस तरह से नया नया वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये काला मोम है। इस तरह से मोम का भी वीडियो एक है, कैसे मोम बनाना है उसका भी वीडियो एक है, आप देख सकते हैं। ब्लैक वैक्स या यूट्यूब में सर्च कीजिए काला मोम कैसे बनाना है, तो मिल जाएगा। देखिए 2 इंच आपको कंपास से माप करना है और माप करने के बाद ठीक सेंटर से इस तरह से राउंड करना है। तो इस तरह से राउंड करना है 2 इंच। अगर वजन 7-8 ग्राम रहेगा तो 1.5-2 इंच भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद 8 इंच चेन लेना है। 8 इंच चेन लेने के बाद ठीक पूरा 4 इंच के सेंटर में एक मार्क करना है और उसी मार्क को पूरा सेंटर में बिठना इस तरीके से। फिर दोनों साइड लेफ्ट राइट जो है 4 इंच करके हो जाएगा चेन। अच्छे से गोल करके उसको चेन को लगाना है पूरा लाइन बराबर। फिर सिंपल डिजाइन है, देखिए बीच में से पूरा नीचे इस तरह से डाई मतलब लगाना है। ये ओवल डाई है, इस तरह से डाई लगाना है, देखिए पूरा ऊपर से राउंड करके एकदम पूरा। इसके बाद एक चेन लूँगा मैं, अभी चेन काटना नहीं है, पहले इधर से एक साइड से उसको लगाते जाना है। ये देखिए टाइट करके खींचना है, ढीला नहीं, ढीला मत कीजिएगा, टाइट करके उसको खींचिए, फिर इधर से काट कर देना है बस। फिर होने के बाद नीचे काम आएगा पास्टर का। ये देखिए ये तार जो है 24 गज तार है, इसको काट के प्रदीप पीस बनाना है। ये देखिए इस तरह से प्रदीप पीस आपने पहले भी देखा होगा, इस तरह से बनाना है प्रदीप पीस। पहले इसको मोड़ना है इस तरह से, फिर चिमटी से इसको सेप देना है। दोस्तों और एक वीडियो है प्रदीप पीस, बर्फी पीस, बादाम हार्ट सेप, उसको कैसे माप कैसे लेना है, किस तरह से बनाना है, उसका भी एक वीडियो है, आप सर्च करके देख सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब में भी आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। इस तरह से जितना भी प्रदीप पीस लगेगा सारे के सारे बना लेना है। फिर ये सारे के सारे पीस होने के बाद ये सोगा पानी है, देखिए सोगा पानी में डुबोना है, पास्टर्ड है, इसको इसके ऊपर सिंगल सिंगल पहले इसको सजाना है, फिर सोलर करना है। दोस्तों अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों के लिए नया नया वीडियो और अच्छे से वीडियो लाता रहूँगा। फिर शोल्डर करने के बाद इसको सिंगल सिंगल करके काट लूँगा मैं। फिर जो है ना कट करने के बाद रबड़ है, रबड़ के ऊपर रखना है और इस तरह से टोपना से हल्का खोल देना है ताकि नीचे से थोड़ा ऊपर की तरफ फुला हुआ दिखे। इसके बाद कुछ कड़ी काटना है, देखिए फोल्डिंग के लिए आप आगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसको गोल करेंगे पूरा, ये भी तार जो है आप 25 गेज 25 गेज 26 गेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप वजन के हिसाब से। इसको गोल करेंगे, और यहाँ पे देखिए बिठाना है, देखिए सेंटर में पहले बिठाऊंगा, फिर एक कड़ी, कड़ी का मुंह, कड़ी का जो ज्वाइंट मुंह है वो प्रदीप की तरफ रहेगा, प्रदीप में टच करके रहेगा। इस तरह से पूरा नेकलेस के नीचे से बिठाना है, देखिए इस तरह सेम टू सेम बिठाना है। तो अभी देखिए इस तरफ से जो मेकअप नहीं हुआ है प्रदीप, तो इधर से दोनों तरफ से कट करके मैचिंग करना है। यहाँ से कट कर दूंगा दोनों तरफ से लंबाई के हिसाब से, जहाँ पे प्रदीप ख़त्म हो रहा है वहाँ तक ही डिजाइन रखना है। फिर ये होने के बाद ये देखिए यहाँ पे कुछ कड़ी बना हुआ है, देखिए ये 22 गज तार को हाफ राउंड बनाया है मैंने, हल्का हाफ राउंड बनाना है और ढाई दाग काटना है। ढाई दाग काटने के बाद उसको गोल करना है और ठीक प्रदीप के नीचे से लगाना है। इस तरह से जब कड़ी बनाना है ना छोटा छोटा, तो ढाई दाग काटिएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं काटिएगा तो दिखने में अच्छा नहीं लगता। ढाई कट काटने के बाद इस तरह से इसको लगा दीजिए। फिर दोस्तों पीछे के लिए समोसा बनाना है, जो नेकलेस जहाँ पे ख़त्म हो रहा है ऊपर के साइड, समोसा लगाना है। हाथ से समोसा बनाऊंगा मैं, इस तरह से देखिए समोसा, इसे समोसा कहा जाता है समोसा। इसको पास्टर्ड में जोड़ा जाएगा, सोल्डर किया जाएगा।
फिर समोसा हो जाने के बाद ये देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने एक चपटा कड़ी बनाई, देखिए हाफ राउंड इस तरह से, देखिए हाफ गोल, क्योंकि ये जो है ना ठीक इसका बीच में से इस तरह से लगाना है, देखिए फोल्डिंग होगा बाद में, देखिए इस तरह से ठीक ऊपर से इसको घोंप देना है, ये देखिए फिर पीछे से उसको मोड़ के शोल्डर किया जाएगा, फोल्डिंग हो जाएगा। समोसा को थोड़ा हल्का खोल मार लेंगे दोनों समोसा को। ये देखिए अभी जो इसको इसके पीछे लगाना है ठीक है यहाँ पे, अभी गैप जो है ना उसमें तार लगा देंगे, तार से उसको भर देंगे गैप को और इधर एक डाई लगा देंगे तो मेकअप हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डाई लगेंगे, तार लगाएंगे। और सबसे आखिर में यहाँ पे पीछे गोट लगाना है जिससे कि चेन या जो धागा है ना वो बांधा जाए। ये देखिए अभी नेकलेस तैयार हो चुका है, रेडी हो चुका है, अब इस पर सिर्फ प्लास्टर डालना बाकी है। प्लास्टर डाल देना है, देखिए राउंड करके प्लास्टर डाल देना इस तरीके से। फिर जब सूख जाएगा लगभग 20 मिनट या आधा घंटा बाद अब इसको हल्का गर्म करके निकाल लीजिए इस तरह से। फिर निकालने के बाद इसको केरोसिन ऑयल से साफ किया जाएगा, क्लीन करना है अच्छे से ताकि शोल्डर हो जाए, अगर काला मोंग रहेगा तो शोल्डर करने में प्रॉब्लम होगा। देखिए फिर सुखाने के बाद आप इस तरह से शोल्डर करना, देखिए शोल्डर का भी एक अलग से वीडियो है कैसे मैं शोल्डर करता हूँ, पूरा वीडियो इसमें मैंने बताया, आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में कैसे सोने का काम शोल्डर किया जाता है, मैंने बताया इसमें। देखिए कड़ी को पहले प्रदीप के साथ शोल्डर करना है और ये कड़ी को आपस में देखिए दोनों साइड से दबा देना है और बीच में केडीएम लगा देना है थोड़ा सा बस, तो फिर ये फोल्डिंग हो जाएगा। फिर जब सोलर हो जाएगा पूरा पानी देके उसको मैं निकाल लूँगा। देखिए निकाल लेने के बाद इसको एसिड करना है, आप एसिड कर सकते हैं। एसिड करने के बाद जो प्रदीप का जो पीस था ना ऊपर से सोलर करेंगे तो अच्छा होगा। इसके बाद घुंघरू होगा, ये देखिए घुंघरू 8 डिग्री मनी के साथ 28 गेज का तार कड़ी लगा के सोलर करना है तो घुंघरू बन जाएगा। और इसी घुंघरू को वापस 24 या 25 गज तार के साथ तार में कड़ी बनाना है और एक कड़ी के अंदर 3-3 घूंघरू डाल के सोल्डर करना है। ये देखिए कड़ी के अंदर डाल के 3-3 घूंघरू, देखिए कड़ी का जो जॉइंट मुंह है ना वहाँ पे केडीएम लगा देना है, सिंगल केडीएम लगाना है, देखिए जैसे लगा हुआ है। और एक लगा के आपको दिखाता हूँ, ये देखिए वाला एक खाली है इसमें एक लगाना है, ये देखिए इस तरह से लगा देना है और सोल्डर करना है आराम से। फिर देखिए जो नीचे छोटा छोटा कड़ी था ना गोट जिसे कहता था मैं, उसको थोड़ा गैप करके अंदर एक कड़ी डाल देना है घुंघरू वापस चिमटी से उसको देखिए इस तरह से भर देना है, उसको कड़ी को लगा देना है। फिर मैं कब इसको ऊपर रखूँगा इस तरह से और इसको भी शोल्डर करना है थोड़ा थोड़ा केडीएम, देखिए आप चाहे तो ऐसे लंबा लंबा केडीएम का फाड़े से भी शोल्डर कर सकते, अगर नहीं हुआ तो छोटा छोटा टुकड़ा काट के उसके ऊपर बिठा के भी शोल्डर कर सकते हैं। देखने के बाद मैंने एसिड किया, देखिए अभी पॉलिश बाकी है, ताज बाकी है, ये देखिए एसिड किया पॉलिश किया। और जो प्रदीप पीस है ना देखिए उसको यहाँ पे चेन के साथ मैंने शोल्डर किया था, ऊपर से शोल्डर किया था क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए प्रदीप पीस यहाँ पे खोला है निकल गया, शोल्डर नहीं हुआ, देखिए इस साइड वो होने वाला है तो इसीलिए ऊपर से शोल्डर कर लेना है। देखिए यहाँ पे निकला हुआ है तो इधर से शोल्डर करने के लिए अगर ऊपर से शोल्डर करेंगे तो अच्छा होगा। तो देखिए दोस्तों अभी ताज पॉलिश रेडी हो चुका है, पॉलिश हो चुका है और ये देखिए अभी 16 ग्राम है, बहुत अच्छा लग रहा है, डिजाइन फैंसी में लग रहा है, हल्का लाइट वेट में लग रहा है। ये देखिए आप इसमें और भी डिजाइन कुछ एडिट कर सकते हैं, दूसरा एडजस्ट कर सकते हैं डिजाइन, ये ताज किया हुआ है पॉलिश किया हुआ है। दोस्तों कुछ सवाल रहेगा तो कमेंट में ज़रूर बताना, इंस्टाग्राम का आईडी लिंक नीचे मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप कॉपी करके लिंक ओपन करके इंस्टाग्राम पे मुझे SMS करना, रिप्लाई कर दूँगा, वॉइस करके बताना मैं रिप्लाई कर दूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो आपको वापस मिलूँगा एक और नया वीडियो के साथ।